एक दुखद खबर आ रही है, तकरीबन 40 मजदूर जो भारत से ताल्लुक रखते हैं वो मर गए हैं, जिंदा जल गए हैं, और तकरीबन 30 से ज्यादा मजदूर जो है अभी घायल अवस्था में हैं। ये खबर जो है वो कुवैत से आ रही है। ये मजदूर वहां पर काम करते थे, साउथर्न मैंगफ डिस्ट्रिक्ट है कुवैत का, जहां पर एक बिल्डिंग में तकरीबन 195 मजदूर रहते थे, कुछ केरला के थे, कुछ तमिलनाडु के थे, जिसके बाद किचन के जो एक फ्लोर में जो है, लोअर फ्लोर में जो है आग लगती है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में आग जो है फैल जाती है, जिसके बाद तकरीबन कहा जा रहा है कि 40 मजदूर जो है वो वहां पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिंदा चल गए, और 30 मजदूर जो है वो घायल अवस्था में उनको अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया है। हालांकि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से भी ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आई एम डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ द फायर इंसिडेंट इन कुवैत सिटी। बहुत बड़ा झटका लगा है हमें जब हमने इस तरह की आग की घटना की जानकारी हमें मिली है। देर आर रिपोर्टेडली ओवर 40 डेथ्स, 40 लोगों की इसमें मौत हुई है, एंड ओवर 50 हैव बीन हॉस्पिटलाइज, यानी कि 50 लोग जो है उनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आवर एम्बेसडर हैज गॉन टू द कैंप, हमारे जो एम्बेसडर हैं भारत के वो उस कैंप में पहुंच गए हैं जहां पर इस तरह की घटना हुई है, जहां पर घायलों को रखा गया है। वी आर वेटिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, हम आगे की जानकारी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, और किस तरह से ये जो लोग हैं वहां पर उनको इलाज दिया जा रहा है, और इस समय जो है क्या हालत गंभीर बनी हुई है, और उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। इसी के तहत जो है एम्बेसडर जो है जो भारत के हैं वो इंडियन एम्बेसडर के जो एम्बेसडर है वहां पर वो पूरी तरह से संपर्क साधे हुए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग घायल हैं उनकी जल्दी जो है वो रिकवरी हो, वो जल जो है वो स्वस्थ हो, अपने काम पर लौटे, लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो भारत को पहुंचे, क्योंकि कुवैत में इस तरह से कुछ मजदूर 195 का आंकड़ा बताया जा रहा है, एक बिल्डिंग में रहते थे और वहां पर किचन का जो लोअर फ्लोर है वहां पर आग लगती है, और उसके बाद जो है ये मजदूर जो है जिंदा जल जाते हैं, जिसमें 40 का आंकड़ा जो है वो भी बताया जा रहा है। हालांकि लगातार जो है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 9656550246, ये नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है उन लोगों के लिए जो हेल्पलाइन की जरूरत जिनको महसूस होती है, जिनको कोई इमरजेंसी महसूस होती है, या फिर अगर मैं कहूँ कोई अपडेट लेना होता है कि आखिरकार उस बिल्डिंग में जो व्यक्ति रह रहा है, अगर तमिलनाडु या केरला की मैंने बात की तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से भी लोग संपर्क साधने की कोशिश करेंगे कि उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर है तो आखिरकार उसकी किस तरह की स्थिति है, क्या हालत गंभीर है, नाजुक बनी हुई है, या वो स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे। तो इस तरह से भारतीय एम्बेसडी ने पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश की है कि भारतीय एम्बेसी जो है वो मदद का हाथ जो है आगे बढ़ाए, जिसके तहत जो है इस तरह से नंबर्स जो है वो फ्लैश कर दिए गए हैं, और लगातार जो है यहाँ पर उनकी रिकवरी के लिए दुआएं जो है वो भी चल रही हैं। उसके बाद आपको बताएं एक इंक्वायरी भी यहाँ पर बिठा दी गई है, और इंटीरियर मिनिस्टर है जो कुवैत के, शेख फहद उल यूसुफ अल सबा, ऑर्डर्ड पुलिस टू अप्रेंड द बिल्डिंग ऑनर, उसके बाद एज वेल एज ऑनर ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्कर्स। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है उसमें जो बिल्डिंग का जो मालिक है उन पर भी होने वाली है, या फिर वो कंपनी जहां पर वो काम करते हैं। तो ये पूरी तरह से जानकारी कुवैत से निकल कर आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़ी क्षति भारत को पहुंची है, तकरीबन 40 लोग जो है जिंदा जल गए हैं कुवैत में, एक बिल्डिंग की जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर फ्लोर होता है, वहां से आग भड़की है किचन से, उसके बाद पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी गश्त में ले लिया है, और तकरीबन कहा जा रहा है कि 50 लोग जो है हॉस्पिटलाइज है, और भारत में चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरला हो, दुआओं का दौर जो है उन तमाम लोगों के लिए जारी हो गया। आप भी हमारे साथ बने, देखते हुए नमस्कार।